हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल जीएस। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में देखने वाले हैं भारत की स्थिति और विस्तार। और आज इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी, भारत की जली और स्थलीय सीमा, भारत की स्थिति और विस्तार, भारत की मानक समय रेखा, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं, भारत के दूरस्थ बिंदु कौन से हैं और दूरस्थ राज्य कौन से हैं, भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, राज्यों की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं किन किन देशों के साथ में लगती हैं, और अंत में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको अपने साथ में एक मैप रखना है ताकि मैं जो भी देश या राज्य बताऊंगी आप उनको मैप के माध्यम से देखते रहना है। ये चीजें अगर आपको मैपिंग अच्छी करनी है तो मैप अपने साथ में रखिएगा और वहां पर देखते चलेंगे तो आपको सारी चीजें याद होती जाएंगी। किसी भी चीज को रटना नहीं है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और ये सभी टॉपिक हम मैप के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले हम देखने वाले हैं भारत का क्षेत्रफल और उसकी सामान्य जानकारी। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। आप यहाँ पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये एशिया महाद्वीप है और भारत इसमें दक्षिण की तरफ स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत का दक्षिण उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 3,214 किलोमीटर। ये उत्तर है और यहाँ पर नीचे दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण में विस्तार है इसका 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2,933 किलोमीटर। तो ये भी आपको रट के रखना है ये सभी टॉपिक। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का जो स्थलीय भाग है वो विश्व के स्थलीय भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो विश्व के स्थलीय भाग का 2.42% है। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। सबसे पहले नंबर पर आता है रूस, कनाडा, चीन। चीन ध्यान रखना है, ये तीन नंबर तक आपको रूस, कनाडा और चीन, उसके बाद अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर भारत का नंबर आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर अमेरिका। तो आपको ये तीन टॉप थ्री देश जरूर याद रखने हैं। और इसकी जनसंख्या, भारत की संपूर्ण जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। तो ये ध्यान रखना है, विश्व के स्थलीय भाग के 2.4% पे विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का 17% से भी ज्यादा निवास करती है। तो ये सभी टॉपिक आपको ध्यान से कवर करने हैं। अब हम अक्षांश, भारत से कौन से अक्षांश और देशांतर गुजरते हैं वो देखने वाले हैं। लेकिन इसके पहले मैं बता देती हूँ अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। तो पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश क्या होता है? तो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव है, भूमध्य सागर है और ये दक्षिणी ध्रुव है। और ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं इसी रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। देशांतर क्या होता है? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहते हैं कहलाती हैं। इन्हें इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन, और अक्षांश को कहते हैं लेटिट्यूड लाइन। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भूमध्य रेखा है और यहाँ पर ये जो आप लाइनें देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली इन्हीं लाइनों को या फिर इन्हीं रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। तो भारत की स्थिति और विस्तार में अब हम देखने वाले हैं भारत से कौन कौन सा देशांतर गुजरता है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा फिर इक्वेटर भी कहते हैं। ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उसके ऊपर का हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो यहाँ से देशांतर का पूर्वी भाग है और गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। यहाँ पर भारत का अगर हम अक्षांश की बात करें तो भारत का जो अक्षांश है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है और देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत का देशांतर और उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांश और देशांतर आपको ध्यान रखना है। भारत किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश के बीच में स्थित है और कहाँ से किस पूर्वांतर से लेकर
किस पूर्वांतर तक स्थित है, ये टॉपिक आपको यहाँ से कवर कर लेने हैं। आप इनको नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा और वहां से कई बार रिवाइज करेंगे तो ये इस टॉपिक आपको याद हो जाएंगे। अब हम भारत का समय मानक समय देखने वाले हैं। उसके पहले मैं बता देती हूँ कि ग्रीनविच मान टाइम यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है। तो जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। जीएमटी का मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी का मतलब होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया जाने वाला समय। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है, देशांतर क्या होता है मैंने ऊपर बता दिया है, टोटल 360 देशांतर होते हैं जिसमें से 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट और 15 डिग्री देशांतर बराबर 60 घंटा यानी 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। और 360 डिग्री देशांतर को अगर हम 4 मिनट से गुणा करेंगे तो 1440 मिनट आ जाएगा। और अगर इसे हम घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग दे देंगे तो टोटल 24 घंटे आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ग्राफ, ये जो यहाँ पर आप पूरा ग्राफ देख रहे हैं ये 24 घंटे का है। और यहाँ पर ये ग्रीनविच मीन टाइम है, ये जो रेखा में लंबी ऊपर से नीचे खींच रही हूँ ये ग्रीनविच मीन टाइम है। और यहाँ पर इस तरफ अगर आप ग्रीनविच मीन टाइम के पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो प्रत्येक 15 देशांतर पर एक एक घंटा बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर ये 15 डिग्री देशांतर, 30 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री और इसके 75 के बाद में यहाँ पर आप भारत देख सकते हैं। भारत इसके पूर्व में स्थित है तो इसलिए भारत का जो मानक समय होता है वो ग्रीनविच यानी ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। क्योंकि प्रत्येक मैंने बता दिया है 15 देशांतर पे 1 घंटा टाइम बढ़ता जाता है। और अगर हम इसके पश्चिम की तरफ जाते हैं, ये ग्रीनविच का मेन टाइम है, अगर इसके पश्चिम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एक एक घंटा 15-15 डिग्री पर माइनस होता जाता है। तो ये यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, ये हो गया भारत का टाइम मानक समय देख लेते हैं। तो हम भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है और इसे ही भारत का मानक समय माना गया है। और ये इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरता है तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और भारत की मानक समय रेखा जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, ये मैं बता चुकी हूँ। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है तो 82 x 4 अगर हम करेंगे तो 330 मिनट आएगा। 330 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो ये 5.5 घंटा आ जाएगा। भारत 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं आपको ध्यान रखना है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कितने अक्षांश रेखाएं हैं मैं पहले वो बता दे रही हूँ। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और ये जो कर्क रेखा है, इन तीन रेखाओं, ये मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं जिनमें से सिर्फ कर्क रेखा ही है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये ध्यान रखना है, तीन अक्षांश रेखाओं में से सिर्फ कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा इसमें कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी यहाँ पर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसके अलावा कुछ अन्य पॉइंट भी हैं जो आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो नहीं गुजरते हैं? तो एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनता है। कर्क रेखा के आसपास के जितने भी राज्य हैं आपको वो ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र है, ये नहीं गुजरता है। उड़ीसा कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी नहीं गुजरता, बिहार भी है। और यहाँ पर मेघालय है, मेघालय नहीं गुजरता। असम, नागालैंड या फिर मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर, ये आसपास के जितने भी राज्य हैं ये नहीं गुजरते हैं। इन 8 राज्यों के अलावा कौन से राज्य ऐसे हैं जो नहीं गुजरते, वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब हम देखने वाले हैं भारत के दूरस्थ राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत के सबसे पूर्व में स्थित है अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, उत्तरी राज्य है लद्दाख और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, तो ये चारों राज्य आपको ध्यान रखना है। दूरस्थ बिंदु कौन से हैं? तो सबसे भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा पोल, सियाचिन ग्लेशियर के पास में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है
ग्रेट इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार और बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वलांगू या फिर किवितु। एग्जाम में आपके ये दोनों में से कोई एक दिया जाएगा क्योंकि ये पॉइंट 1 मिनट की दूरी पर है, 97 डिग्री पर दोनों है, तो दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, वलांगू और किवितु, और ये भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है। और अगर हम पूर्वी दक्षिणी देशांतर की बात करें तो भारत का सबसे जो दक्षिणी सॉरी भारत का जो सबसे पश्चिमी भाग है वह है सैक्रिक, और ये गुहार मोती में के पास में कच्छ में स्थित है। गुहार मोती के पास कच्छ में सैक्रिक है भारत का सबसे पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग है वलांगू या फिर किबिथू, और उत्तरी भाग है इंदिरा कोल, दक्षिणी भाग है इंदिरा पॉइंट। इन सब के अलावा एक पॉइंट और है, अगर हम ये इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये भारत की मुख्य भूमि से अलग है। अगर भारत की मुख्य भूमि में बात करते हैं तो ये तमिलनाडु आता है जो भारत की सब मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। इसका दक्षिणी भाग होता है कन्याकुमारी, जिसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखने वाले हैं भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। तो भारत की सीमा 8 9 देशों से लगती है, जिसमें से 7 देश स्थल सीमा और 2 देश जल सीमा बनाते हैं। तो जिसमें पहला है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थल सीमा बनाते हैं, और 2 देश ऐसे भी हैं जो जल सीमा बनाते हैं, तो वो हैं मालदीव, यहाँ पर स्थित है, और श्रीलंका। तो ये 9 देश की सीमा भारत से लगती है। तो इन 9 देश को आपको ध्यान रखना है, जिसमें से 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, 2 देश जलीय सीमा बनाते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है स्थलीय सीमा जो की है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी लंबाई है 1496 किलोमीटर, तो ये ध्यान रखना है 4,096 किलोमीटर। और भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ में, तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं 106 किलोमीटर की। अब हम बात करने वाले हैं भारत की जलीय सीमा। तो भारत की मुख्य भूमि की जलीय लंबाई है, यहाँ पर आप ये मुख्य भूमि देख सकते हैं जो लाइन ब्लू कलर से खींची गई है। भारत की मुख्य भूमि की जलीय लंबाई है 6100 किलोमीटर, और अगर इसमें हम भारत के अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल कर दें मुख्य भूमि, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 7516 किलोमीटर। और भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा लगती है। तो इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं राज्य, 9 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो भारत के पश्चिमी भाग की तरफ 5 राज्य हैं जिनकी जलीय सीमा लगती है, पूर्वी भाग की तरफ 4 राज्य हैं, तो ये 9 राज्य हो गए हैं। और इनमें से सबसे लंबी जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी कितनी लंबाई है, तो यहाँ पर ये 1214 किलोमीटर है। और सबसे छोटी जलीय सीमा वाला राज्य गोवा का है, जिसकी लंबाई है 101 किलोमीटर। अब हम भारत की जलीय सीमा वाले केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। तो 9 राज्य हमने देख चुके हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। इसमें पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी यहाँ पर स्थित है, लक्षद्वीप भी भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है, और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। तो ये चार केंद्र शासित प्रदेश हो गए जिनकी सीमा लगती है भारत के साथ में। और यहाँ पर सबसे लंबी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 9662 किलोमीटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1962 किलोमीटर है इसकी लंबाई, इसकी तट रेखा की अंडमान की। और सबसे छोटी है पुदुचेरी की, इसकी की लंबाई है 30 किलोमीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे लंबी जो जलीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और सबसे छोटी जलीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। अब हम देखने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश, मैं बता चुकी हूँ जिसमें से 9 9 हैं ऐसे पड़ोसी देश जिसमें से 7 की स्थलीय सीमा लगती है, 2 की जलीय सीमा लगती है, तो ये हम देख चुके हैं। और इनमें से जो 17 राज्यों की सीमा है वह उनके पड़ोसी देशों के साथ में लगती है। तो ये 17 राज्य कौन कौन से हैं अब हम वो देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के साथ किन किन देशों की सीमा लगती है, तो 5 सॉरी पाकिस्तान के साथ में किन किन राज्यों की सीमा लगती है, तो 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है, जिसमें पहला है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये 5 राज्य है जिनकी
सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है। अब हम देखने वाले हैं बांग्लादेश, तो पांच राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ में भी लगती है। इसमें पहला है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये पांच राज्य हो गए। और ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के साथ में यहाँ पर मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड या फिर आसपास के जो अन्य राज्य हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। ये पांच ही राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है। चीन के साथ में भी पांच राज्यों की सीमा लगती है। तो ये कौन कौन से हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये पांच राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा चीन के साथ में लगती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नेपाल के साथ में भी पांच राज्यों की सीमा लगती है। पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये पांच राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ में लगती है। और किन की सीमा नहीं लगती है, तो ये भी आप आसपास के राज्यों से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, इन राज्यों की सीमा नेपाल के साथ में नहीं लगती है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं म्यांमार की सीमा चार राज्यों के साथ में लगती है। तो ये राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये चार राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है। नेक्स्ट है भूटान, भूटान की सीमा भी चार राज्यों से लगती है। तो ये है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये चार राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ में लगती है। लास्ट में हम देख रहे हैं अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर है। और ये इसकी सीमा सिर्फ लद्दाख, भारत के सिर्फ लद्दाख से लगती है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। हमने सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है भारत के बारे में। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हमने जो जो पढ़ा है सारे प्रश्न वहीं से आए हैं। और इसमें ज्यादा से जो भी प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो आपको प्रश्नों को ध्यान से सॉल्व करना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत स्थित है किस, कहाँ पर स्थित है भारत? तो भारत उत्तरी गोलार्ध और एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो ये है 3,214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो ये है 2,933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,500, लगभग 7,500 किलोमीटर है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में स्थित हैं? तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है, हमने देखा था। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारतीय मानक समय आधारित है? तो भारत का मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। बांग्लादेश की सीमा किस राज्य के साथ में नहीं लगती है? तो मैंने बताया था बांग्लादेश को आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन पांच राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा यहाँ पर आपको मणिपुर दिख रहा है। मणिपुर यहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किस रास्ते होकर नहीं गुजरती है? तो किन राज्यों से होकर गुजरती है? अब यहाँ पर ये देखिए, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश। मैंने ये बताते समय बताया था कहाँ से नहीं गुजरती, वो आपको जरूर थे ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है चाइना। भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिमी भाग है सर क्रीक, जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो गुजरात, छत्तीसगढ़, यूपी से होकर नहीं गुजरती है, मैंने बताया था अभी ऊपर भी। तो 1, 2, 3, अगर इसमें हम उत्तर प्रदेश को निकाल दें, आपको आंसर कैसे निकालना है? अगर हम यूपी को निकाल दें तो यूपी तीसरे नंबर पर है, 3 इसमें है, इसे काट दीजिए, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आंसर हमारा ए आ जाएगा। कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, तो इन सभी से कर्क रेखा गुजरेगी। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 भारतीय
राज्य से, भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर आप इसे काउंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो यह राज्य कौन सा है? झारखंड। हमने ये सभी पॉइंट अभी डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यहाँ पर आप देखिए, उसमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो झारखंड की अगर हम बात करें तो ये कर्क रेखा पर ही है। ये सभी राज्य इसके अलावा यहाँ पर मणिपुर यहाँ पर स्थित है। मणिपुर की लोकेशन अगर आपको याद हो तो मणिपुर यहाँ पर स्थित है, ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो बांग्लादेश के साथ में। किस राज्य से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा नहीं गुजरती है? तो कहाँ से नहीं गुजरती, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, यहाँ से तो गुजरती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है कि ये तेलंगाना है, तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। बिहार, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, यहाँ पर झारखंड है। तो ये आसपास के जो भी राज्य हैं, तो इनको ध्यान रखना है कि यहाँ से होके नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का की प्रमाणिक मध्यान रेखा कहलाता है? तो कौन सा है, ये हम देख चुके हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो पश्चिम बिंदु भारत का है 68.07 पश्चिम गुजरात में, और स्थान क्या है? सर क्रीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश की किसके साथ में मिलती है, यहाँ पर ये देखिए। तो किसके साथ में बांग्लादेश की सीमा नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर के साथ में नहीं लगती है, ये ध्यान रखना है। मिजोरम के साथ भी लगती है, तो मणिपुर यहाँ पर है, मणिपुर के साथ में इसकी सीमा नहीं लगती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं? तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा से लगे हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ में नहीं लगती है? तो कौन सा राज्य है ये, यहाँ पर भूटान के साथ में किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो आंसर इसमें हमारा हो जाएगा मेघालय। किसकी किसकी लगती है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल। तो मेघालय कहाँ पर स्थित है, मेघालय की लोकेशन ये है। तो किस किस राज्य की नहीं लगती है? मेघालय के अलावा भी आपको ध्यान रखना है, ये बिहार की नहीं लगती है, यहाँ नागालैंड, मणिपुर, इन सब की नहीं लगती है मेघालय। तो आसपास के राज्य को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो इसमें किसकी किसकी लगती है, अरुणाचल, नगा, मणिपुर, मिजोरम, इसके अलावा इसमें कौन सा है? तो असम, असम यहाँ पर स्थित है, असम की सीमा नहीं लगती है। असम के अलावा मेघालय की नहीं लगती है, त्रिपुरा की नहीं लगती है। तो ये दो तीन पास के जो राज्य हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो कौन नहीं बनाता है, अगर हम यहाँ पर मैप में बात करें तो किसकी सीमा बांग्लादेश के साथ में नहीं लगती है? तो इसमें है, आंसर हो जाएगा हमारा नागालैंड। ये सब मैं बता चुकी हूँ, पर आपको किसके साथ में नहीं लगती है ये जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश। भारत का वह राज्य जिसकी सीमाएं तीन देश नेपाल, भूटान और चीन के साथ में लगती हैं। तो यहाँ पर ये, अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऊपर है, सिक्किम है, आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम, सिक्किम की है। और यहाँ पर ये सिक्किम है, इसकी जो सीमा है वो नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। इसके ऊपर में चाइना है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर नेपाल है, तो इसकी सीमा तीन देशों से लगती है। भारत का वह राज्य जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये त्रिपुरा है, ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो हमने इसमें 38 प्रश्नों को डिस्कस किया, प्लस सभी टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। आपको एक मैप बनाना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद नहीं रहते, आप उनके नोट्स बना लीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।